छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामचंद्र नेताम के नेतृत्व में रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5,000 से भी ज्यादा समर्थकों ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का निवास घेरा है। जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर और पानी की बौछार करके इन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, परंतु समर्थकों की भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन इन्हें नहीं रोक पाई। यह पिछले 4 वर्षों के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। कांग्रेस सरकार के द्वारा राज्यांश नहीं देने के कारण प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना चल रही है, जिसके कारण से हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आवास मोर अधिकार कार्यक्रम चलाकर पंचायत के समस्त पात्र हितग्राहियों से राज्यांश जारी करने हेतु अनुरोध भर भरवाया पत्र। बलरामपुर में बीजेपी का पूर्व प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामचंद्र नेताम के नेतृत्व में रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5,000 से भी ज्यादा समर्थकों ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का निवास घेरा है। जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर और पानी की बौछार करके इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु समर्थकों की भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन इन्हें नहीं रोक पाई। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी सोमनाथ। सोमनाथ, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से ये रैली निकाली जा रही है, आखिर इसका मकसद क्या है और पुलिस के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, पूरा मामला कल कार्यक्रम था बीजेपी की ओर से, जो पूर्व राज्यसभा सांसद है रामविचार नेताम, वो सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह जी का आवास का घेराव करने गए थे, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को लेकर के। यहाँ पर कितने की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे और क्या ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? देखिए, इसमें 5,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जो क्षेत्रीय थे सभी, और ये प्रदर्शन अभी तो जारी नहीं है, फिलहाल बंद कर दिया गया। अब राज्य स्तर पे इसका मुख्यमंत्री निवास का घेराव कार्यक्रम होगा। जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर मुद्दे को बनाना चाहती है, तो इस प्रकार की रैली को क्या सफल रैली माना जाए? इसे कांग्रेस पूरे इस कार्यक्रम, इस रैली या प्रदर्शन को किस तरह से नजरिए से देखते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के कार्यकर्ता तो इसे सफल रैली मान रहे हैं, काफी संख्या में भीड़ भी था, लेकिन इस मुद्दे पे कांग्रेस की ओर से जो विधायक महोदय हैं वो कुछ कहने से फिलहाल नहीं सामने आए कैमरे के सामने। जी जी, तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर जो बीजेपी ने पूरा प्रदर्शन और रैली कार्यक्रम रखा है, उसे सफल बनाने का प्रयास किया और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की।